इससे पहले की क्लास में हमने जो सिलेबस है फिलॉसफी का वो देखा, फिर एजुकेशन की कुछ परिभाषाओं पर हमने चर्चा की। अब हम दर्शन की तरफ जा रहे हैं, तो दर्शन की व्याख्या करते हुए या दर्शन के बारे में जानते हुए इतना तो हम पढ़ चुके थे कि वेस्टर्न फिलॉसफी में यानी कि पाश्चात्य दृष्टिकोण में दर्शन का क्या अर्थ है, या फिर इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दृष्टिकोण में इसका क्या अर्थ है ना। उसके बाद उपनिषदों में इसको ऐसा लिखा गया है, ये सब कुछ। अब चलते हैं आगे दर्शन को जानने के लिए। अगर हम कहें तो कल की ही क्लास आप लोगों ने अधिकतर अटेंड की थी, सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। जिन्होंने अटेंड नहीं भी की थी तो मैंने आप लोगों के लिए जो रिकॉर्डेड लेक्चर था वो भेज दिया था ग्रुप में, तो आपने देख लिया होगा। तो कल की क्लास में दर्शन को बहुत ज्यादा मैंने डिस्कस कर ही लिया था, तो मैं उसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक, तो फिर भी यदि सामान्य अर्थ में देखें हम, तो दर्शन का अर्थ क्या होता है? विचार होता है। ठीक है, तो विचार होता है। विचार मतलब कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई फिनोमिना, कोई अवधारणा, कुछ भी कह लीजिए उसको आप। मुझे लगता है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अच्छी आदत नहीं है, ये मेरा विचार है। तो मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूं जो कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को सही या उचित नहीं मानता। क्लियर हो गया, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है या नहीं है? अब अगर हम देखें मेट्रो सिटी में हम जाए तो वहां पर आपको 99% जो लोग हैं वो ड्रिंक और स्मोक करते हुए दिखाई देंगे, तो उनके विचार में वो चीज गलत नहीं है, वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग उनको एडॉप्ट करना ही पड़ता है। दो विचार हो गए, दोनों अपने अपने स्थान पर सही है। इसी प्रकार से जो लोग मांसाहार नहीं करते हैं उनके विचार में मांसाहार करना क्या है, पूरी तरह से गलत है, अपराध है। वो कई सारे ऐसे तथ्य देते रहते हैं कि भाई मांसाहार करके तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें आती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक विचार और निकल के आता है और वो ये कहता है कि मांसाहार करना चाहिए, मांसाहार करने से हमारा जो इकोलॉजी है वो बैलेंस्ड रहती है। अगर हम मांसाहार नहीं करेंगे, देखा होगा ना कई लोगों को बोलते हो आपने, अगर हम मांसाहार नहीं करेंगे तो इतने सारे मुर्गे हो जाएंगे, इतने सारे जानवर हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा एंड ऑल, ये सब कुछ। तो वो उनका विचार है, उन्होंने अपने उस विचार को सही कह दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से एक अलग समाज एक अलग विचार का पालन कर रहा है या अनुयायी है, एक दूसरा समाज दूसरे विचार का पालन कर रहा है उसका अनुयायी है। तो वो समाज का जो विचार है उसको ही हम क्या कह देंगे, उस समाज का दर्शन कह देंगे। जैसे जैन समाज है तो जैन दर्शन हो गया, बौद्ध समाज है तो वो बौद्ध दर्शन हो गया। तो बौद्ध समाज का विचार, बौद्ध समाज की जो कहें कि नियमावली है, जो नियम है उनके, वो उनका दर्शन है, उसको हम बौद्ध दर्शन कह दे रहे हैं। और जैन जो लोग हैं, जो जैन समाज है, उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को मान रहे हैं, तो वो उनका दर्शन है। तो जैसा आप देखना चाहेंगे वैसा आप देखेंगे। ठीक है, इस रूप में भारतीय दर्शन इसको कहता है। ठीक, तो इसीलिए ये की चर्चा कर चुका था, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इस पर। अभी परिभाषाओं की तरफ चलते हैं सीधे हम, और जानते हैं थोड़ा सा किस किस ने क्या कहा है। फिफ्टे की एक परिभाषा है, काफी पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसको आप नोट तो कर ही लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो आपने नोट नोट ही नहीं करना है, या तो इसका प्रिंटआउट निकाल के रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, बट रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है। ये कहते हैं कि जो दर्शन है वो ज्ञान का विज्ञान है। ठीक है, ज्ञान मतलब नॉलेज, साइंस ऑफ नॉलेज। अब साइंस क्या होती है बताओ, विज्ञान क्या होता है? विज्ञान हमेशा तर्क पर आधारित होता है। ठीक है, विज्ञान में मान्यताएं नहीं चलती। ठीक है, विज्ञान में मान्यताएं नहीं चलती हैं, सिर्फ तर्क चल रहा होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है कि आपके हाथ में एक फोन है, अगर वो फोन नीचे गिरेगा तो उसकी स्क्रीन ब्रेक नहीं होती, जैसे आजकल होता है ना, नए फोन आ रहे हैं आपके एप्पल के, सैमसंग के, बोलते हैं कि अनब्रेकेबल है, कहीं से भी गिरा तो नहीं टूटता, कह दिया आपसे, तो क्या है? मान्यता है। किसी ने आपसे कहा, आपने मान लिया, मानना, समझ में आ रहा है? लेकिन जब आप कहते हैं कि ठीक है नहीं टूटता है तो गिरा के देखते हैं, आपने गिराया फोन को, फोन नीचे गिरा और नहीं टूटा, तब आप कह सकते हैं कि मैंने करके देखा है, यानी कि ये तर्क है कि ये फोन नहीं टूट रहा है, क्योंकि वो मेरा अनुभव है। और अनुभव क्या होता है हमारा, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती है ना, ज्ञान इंद्रियां क्या होती है, जिससे हमको ज्ञान मिलता है। जैसे आंखों से आप देखते हैं, तो जो कुछ आप देखते हैं
वो आपके मस्तिष्क में चला जाता है, जिसको जीन कहते हैं, स्कीमा के नाम दे देते हैं, ठीक है, तो आपके स्कीमा में चला जाता है और हमेशा के लिए वो बैठ जाता है। सुन करके आवाजों को आप ग्रहण करते हैं, स्मेल से सूंघ करके आप जो खुशबू होती है, जो फ्रेग्रेंस है, हर चीज की अलग अलग खुशबू होती है। गुलाब की खुशबू अलग है, सूरजमुखी की खुशबू अलग है, हजारी के फूल है उसकी खुशबू अलग है, ठीक है, चंपा चमेली की खुशबू अलग है। तो हर फूल की अलग खुशबू है, हर फल की अलग खुशबू है, हर सब्जी की अलग खुशबू है। वो खुशबू का वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन कहाँ से हो रहा है, आपको सूंघ करके आप कर पा रहे हैं, बोलो हाँ ना, तो वहां से भी आपको ज्ञान मिल रहा है। फिर है टेस्ट, जीभ से आप चीजों को टेस्ट कर रहे हैं, कड़वे का टेस्ट अलग होता है, खट्टे का टेस्ट अलग होता है, खट्टे में भी अलग तरीके के खट्टे होते हैं, संतरे का खट्टा अलग होता है, नींबू का खट्टा अलग होता है, आंवले का खट्टा अलग होता है, मीठे का अलग टेस्ट है, इसी तरीके से मीठे के अलग स्वाद होते हैं। तो स्वाद भी क्या है, एक ज्ञान है, एक नॉलेज है, जिसको आप अपनी टंग से टेस्ट करके एडॉप्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा स्पर्श होता है, अब आपके सामने मोबाइल फोन होगा, मोबाइल फोन को टच करिए आप, और फिर अपने दूसरे हाथ पर जो स्किन है आपकी उसको टच करिए, तो दोनों ही स्पर्श अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। आपके सामने बॉटल होगी तो उसको टच करिए आप, आपके सामने अगर कोई बुक होगी उसको टच करिए, हर किसी का स्पर्श अलग है, वो स्पर्श द्वारा आप उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देख करके, सुन करके, सूंघ करके, टेस्ट करके और स्पर्श से आप ज्ञान प्राप्ति करते हैं। तो जब अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आप वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो वही कहलाता है आपका वैज्ञानिक प्रक्रिया, उसी को हम विज्ञान कह देते हैं। किसी की कही बातों पर नहीं जाते हैं, आप लोग खुद उसको जानने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, क्लियर है? हेलो, यस यस सर, सर। तो अभी तो दर्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, वरना मैं बताता आपको कि जो ये कंसेप्ट है साइंस ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का विज्ञान, ये कंसेप्ट जो है यथार्थवाद का है, रियलिज्म का है। तो जब हम बाद में पढ़ेंगे रियलिज्म, तो वहां पर डिस्कशन करूंगा, अभी उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, वरना फिर वो क्वेश्चन आ जाएगा एक, तो आगे के जो डेफिनेशन हम देख नहीं पाएंगे। दूसरी डेफिनेशन कॉम्टे की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है एग्जाम्स में, ज्ञान का विज्ञान और विज्ञानों का विज्ञान, थोड़ा सा अंतर है बस, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। फिक्टे ज्ञान कह रहे हैं और कॉम्टे विज्ञानों का विज्ञान कह रहे हैं, इतना अंतर है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको मैं परिभाषित अब क्या ही करूं, तो ये तो क्लियर ही है ना। फिर है पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, ये आदर्शवादी विचारधारा का तथ्य है, या कहें कि परिभाषा है, क्योंकि प्लेटो जो है वो आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तक है ना। और आदर्शवादी जो विचारधारा है, यानी कि जो आइडियलिज्म बोलते हैं इसको हम, ठीक है, जो आदर्शवादी विचारधारा है, जो आइडियलिज्म है, उसमें किसी भी पदार्थ के संबंध में विचार जो हमारे आते हैं ना, विचार यानी जो हमारे थॉट है, उन थॉट्स, थॉट को तो आइडिया बोलते हैं, अगर इसको हम सेपरेट करें तो आइडियलिज्म में बनता है आइडिया, आइडिया मतलब विचार यानी थॉट आपका, ठीक है, तो विचारों को महत्व दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, जो भी पदार्थ यानी एलिमेंट्स कह लीजिए आप, जितने भी आपके मैटर हैं नेचर में, प्रकृति में, जो भी कुछ है, लकड़ी है, लोहा है, सोना है, चांदी है, मांस है, हड्डी है, घास है ना, फल है, पेड़ है, ये सभी के सब क्या है, पदार्थ है। अब ये पदार्थ कैसे दिखते हैं, इनकी प्रकृति क्या है, इनका मतलब विशेषता क्या है, इनका नेचर क्या है, ये सब कुछ जानना यथार्थ रूप से है ना, वही क्या है, दर्शन है, ऐसा ये कौन कह रहा है, प्लेटो कह रहा है। प्लेटो एक तो ठीक है, आदर्शवाद पढ़ेंगे तो वहां पर हम प्लेटो को भी जानेंगे और अच्छे से। तो पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, अब जैसे आपके सामने मोबाइल फोन है, क्या है मोबाइल फोन, कोई पूछे आपसे तो क्या बताओगे आप, बोलिए, आपसे भी यही तो कहोगे मोबाइल फोन यार, इससे हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, कॉल करते हैं, फोटो खींचते हैं, यही तो बता पाएंगे हम, बोलिए हाँ या ना। या अधिक से अधिक यस सर, और ज्यादा नॉलेज होगी तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो चिप होती है वो, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मोबाइल के अंदर कितनी रैम है, कितनी इंटरनल मेमोरी है, या फिर है ना, ये सब कुछ बता देंगे हम। तो मोबाइल के बारे में ये हमको ज्ञान है।
इसी तरीके से आपके हाथ में अगर पेन है तो पेन क्या है बोलेंगे, तो क्या बोलोगे, प्लास्टिक का है, इसमें रिफिल होती है, इसे लिखते हैं एंड ऑल। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उसकी और अच्छी व्याख्या कर दे। ठीक, पदार्थ का यथार्थ स्वरूप क्या है उसको जानना। अब किसी भी पदार्थ को कितना गहन आप जान सकते हैं, खुद सोच लीजिए आप, है ना। जो जानकारी आपके पास है किसी भी पदार्थ यानी किसी भी धातु के संबंध में, वो पर्याप्त नहीं है, उससे अधिक जानकारी हो सकती है। इसीलिए दर्शन में सीखने को महत्व दिया जाता है, आप और अधिक जानने की कोशिश करें उसके संबंध में। फिर है नेक्स्ट अरस्तु, जो कि प्लेटो के ही शिष्य हैं, तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच। अब देखो इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा। अरस्तु जो है वो यथार्थवाद के प्रवर्तक है, ठीक है, यथार्थवाद जिसको हम रियलिज्म बोलते हैं अंग्रेजी में। और रियलिज्म जो है वो पूरी तरह से क्या है, विज्ञान पर आधारित है। मैंने अभी पहले भी बताया ना आपको, यहां पर भी आ रहा था ज्ञान का विज्ञान, तो मैंने कहा था यथार्थवाद। तो विज्ञान में जो नॉलेज गेन करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स में एक मेथड होता है आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो एक मेथड है इन्वेस्टिगेशन, तो तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच। प्लेटो कह रहे हैं तत्व पदार्थ और तत्व एक ही है। हाँ, पदार्थ कहिए चाहे तत्व कहिए, एक ही बात है। अगर मैं यहां पर पदार्थ के स्थान पर तत्व लिख दूंगा तो भी काम चल जाएगा, कोई भारी चीज नहीं, ठीक है। किसी का माइक अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट रखिए आप माइक को, ये गलत है, ठीक है। तो पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, तो प्लेटो तो कह रहे हैं कि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, और जबकि अरस्तु कह रहे हैं वो ज्ञान जो है वो मान्यताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका जांच पर आधारित, इन्वेस्टिगेशन पर आधारित। तो ये कहलाएगा आपका क्या, यथार्थवाद, ठीक है, तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को। आजकल वायरल फीवर बहुत चल रहा है, सभी लोगों को आसपास घर पे हो रहा होगा ना आप लोगों को। तो जब भी आपको जैसे खांसी होती है, गले में दर्द होता है, ठीक है, और जुकाम होता है, या फिर कहें कि थोड़ा सा कमजोरी सी महसूस होती है, बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि बुखार आ गया है, पैरासीटामोल खा लो, या आजकल कहें तो डोलो खा लो, ठीक हो जाओगे 2 दिन में। बोलो हाँ या ना, बोलते नहीं बोलते हैं। यस सर, क्या है ये विज्ञान है क्या? नहीं, ये एक मान्यता है, एक नहीं, विचार है कि खांसी भी है, जुकाम भी है, गले में दर्द भी है, और थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर भी हाई हो रहा है, ठीक है, शरीर गर्म हो रहा है, मतलब बुखार ही होगा, और बुखार होने पर हम पैरासीटामोल खाते हैं तो ठीक हो जाता है, ये एक मान्यता है हमारी, एक विचार है। लेकिन अगर साइंस की तरफ जाएंगे तो डॉक्टर्स के पास आप जब जाओगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे ब्लड टेस्ट कराओ। हमारे इंडिया में तो बिना ब्लड टेस्ट के, बिना किसी जांच के दवाई दे देते हैं, लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज में देखिएगा तो वहां पहले टेस्ट होते हैं बॉडी के। टेस्ट मतलब जांच होती है, जांच होने पर जब कोई परिणाम आता है उस परिणाम के आधार पर फिर आपको मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। तो ये है आपका इन्वेस्टिगेशन, क्लियर हो गया। यस सर, इसी तरीके से अगर आप कहीं रोड में जा रहे हैं, आपने 2 लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा, एक बहुत हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा आदमी है, ठीक है, ये माइक अनम्यूट ना करें प्लीज अभी में, तो 2 लोगों को लड़ते हुए देखा आपने, एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी है, एक बहुत कमजोर आदमी है, तो उन दोनों को लड़ते हुए देख करके आपका मन में विचार आया, यार हट्टा कट्टा आदमी दादागिरी दिखा रहा होगा तभी ये मार रहा है इसको, आता नहीं आता जब अमूमन बताइए। तो हट्टा यस कट्टा सर, आदमी उस व्यक्ति को मार रहा होगा जो दुबला पतला है, ये आपने सोच लिया आप कि गलती वो हट्टे कट्टे आदमी की है, ये क्या है, विचार है आपका, जो बिना किसी साइंटिफिक रीजन के, बिना किसी तर्क के आपके मन में आ गया। लेकिन अगर यही मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में दोनों जाएंगे, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट बोलेगा कि इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेट करो, गलती किसकी थी, बोलेगा नहीं बोलेगा बताओ, या वो भी ये बोलेगा कि ये मोटा तगड़ा आदमी था इसने मारा होगा करके, बताइए। हाँ सर, इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या है आपका, एक सही तरीका है, एक तार्किक तरीका है, एक साइंटिफिक तरीका है जिससे हम सही तथ्य पर पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये यथार्थवाद के अनुसार है और अरस्तु ने दी है, ठीक है, ये याद रखने थोड़ा सा। फिर है जो नेक्स्ट परिभाषा है वो है स्पेंसर की, जिसमें
जिसमें वो कहते हैं कि सभी विज्ञानों का संकलन, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल साइंसेस, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल साइंसेस कह लीजिए, चाहे इसको आप कलेक्शन कह लीजिए, ठीक है ऑफ ऑल साइंस के एक ही बात है। तो जहां पर हर तरह के विज्ञान को हम इकट्ठा करके समझने का प्रयास करते हैं, वही क्या है आपका दर्शन कहलाता है। ऐसा कौन कह रहा है? हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो ये पीडीएफ इतना ही है, आप लोगों को मैंने भेज भी दिया था, देखा होगा आपने। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो डिस्कशन हुआ वो थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को, और अगर कुछ क्वेरी है, कुछ प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, 5-10 मिनट तक जो भी डाउट आपके हैं पूछिए। क्लास में पूछने में आपको थोड़ा सा अगर हेजिटेशन है तो फिर वही बात की पर्सनली कॉल करके आप पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ हमेशा आपके साथ। बस ये चाहूंगा कि जो कुछ आप पढ़े वो आपको समझ में पूरा आना चाहिए, और इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप उसका सही उत्तर दे सके, क्योंकि मैं सैटरडे को आपको एक टेस्ट सेंड करूंगा और वहां पर आपका असेसमेंट हो जाएगा।